Modern Wisdom Senior Secondary School welcomes you in our online classes. Good morning, myself Sangeeta Jain from Modern Wisdom Senior Secondary School welcomes you to our online classes of social studies. Students, today we start with our first lesson, resources. Mona and Raju were helping Amma to clean their houses. Mona और राजू अपने अम्मा को घर सफाई करने में help मदद कर रही थी. Look at all these things: clothes, utensils, food grains, comb, this bottle of honey, books. Each of these has a use, said Mona. Mona ने कहा, देखो अपने बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, कपड़े, यूटेंसिल्स है, फूड ग्रेन्स है, हनी है, बुक्स है, ये सब कुछ ना कुछ हमारे ज़रूरतें हैं. डैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, सेड अम्मा. अम्मा ने कहा इसीलिए ये सब हमारे लिए ज़रूरी है. दीज आर रिसोर्सेज, यही रिसोर्सेज है. सो वॉट इज़ अ रिसोर्स, रिसोर्स है क्या, वॉज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा. राजू ने अम्मा से पूछा. Anything that can be used to satisfy a need is a resource, replies Amma. अम्मा ने कहा जो भी चीज़ें अपने ज़रूरतों को पूरा करती है, हमारे यूज़ में आती है, वही रिसोर्स होता है. Look around you and observe. You will be able to identify many things of resources. आप चारों तरफ अपने देखो और अनुभव करो. तुम्हें हर चीज़ में कुछ न कुछ रिसोर्सेज दिखेगा. The water you drink when you are thirsty, the electricity used in your house, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study are all resources. तुम अपने प्यास बुझाने के लिए जो पानी पीते हो, घर के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ करते हो, स्कूल से घर जाने के लिए रिक्शा जो आप यूज़ करते हो, आप अपने पढ़ाई करने के लिए बुक्स जो यूज़ करते हो, ये सब रिसोर्सेज हैं. योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू, द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज़ यूज्ड आर आल्सो अ रिसोर्स. आपके पापा ने बहुत टेस्टी एक स्नैक्स बनाया है, उसमें जो भी ताज़ा सब्जियां हम लोगों ने यूज़ की है, वो सब रिसोर्स है. Water, electricity, rickshaw, vegetables and textbook have something in common. पानी, electricity, rickshaw, vegetable और textbook हम लोग जो use करते हैं, वो सब कुछ न कुछ common है. They have all been used by you, so they have utility. ये सब हम लोग use करते हैं, उसके कुछ न कुछ अपने उपयोग में आते हैं. Utility और usability is what makes an object or substance a resource. अपने ज़रूरतें और उसके यूज़ करने के तरीके ही ये हमारे रिसोर्स होते हैं. How does something becomes a resource? किस तरह से कोई चीज़ रिसोर्स बन जाती है? राजू now wanted to know. राजू ये जानना चाहता था. अम्मा told the children that things become resource only when they have a value. अम्मा ने कहा जो भी चीज़ें जिसकी वैल्यू होती है, जिसका कुछ मूल्य होता है, वही हमारे रिसोर्सेज होते हैं. इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू. अपने उसको किस तरह से यूज़ करते हैं, उसको किस तरह से उसको यूटिलाइज करते हैं, वही वैल्यू है. ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सेड अम्मा. जितने भी रिसोर्सेज हैं उसके कुछ ना कुछ वैल्यू है, ये अम्मा ने कहा. वैल्यू मीन्स वर्थ. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट. वैल्यू भी कुछ, वैल्यू का भी कुछ मूल्य है. कुछ रिसोर्सेज हैं जो अपने इकोनॉमिक यूज़ में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेटल मे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, अ ब्यूटिफुल लैंडस्केप मे नॉट. जिस तरह से एक मेटल है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, लेकिन एक ब्यूटिफुल लैंडस्केप है उसकी नहीं भी हो. बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. लेकिन ये दोनों चीज़ें अपने ज़रूरतों को पूरा करती है. सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विथ टाइम. कुछ रिसोर्सेज अपने समय के अनुसार अपने इकोनॉमिकली उसकी वैल्यू होती है. योर ग्रैंड मदर्स होम रेमिडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टूडे.
आपके ग्रैंडमदर का जो घर है वो हो सकता है कमर्शली आज उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं है, बट इफ़ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फर्म टुमारो दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यू। लेकिन अगर वो पेटेंटेड है और अगर उसको हम लोग मेडिकल फर्म में बेच दिए तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू, इकोनॉमिकल वैल्यू होती है। अंडरलाइन द वर्ड पेटेंटेड। पेटेंट मीन्स डेट एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंसन। वो चीज़ जिसकी कुछ राइट है या उसका कुछ इन्वेंसन होता है जिसकी अपने यूज़ में आती है, वही हो गया पेटेंटेड। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स डेट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। समय और टेक्नोलॉजी ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो अपने रिसोर्सेज में बदल दिए जाते हैं। Both are related to the needs of the people. Both are related to the needs of the people. ये दोनों अपने लिए कुछ न कुछ अपने को इससे ज़रूरतें इससे पूरी होती है। People themselves are the most important resources. हम human beings भी एक important resources है। कैसे? It is the ideas, knowledge, inventions and discoveries that leads to the creation of inventions and discoveries that leads to the creation of more resources. ये हमारे ideas के कारण, हमारे knowledge के कारण, हमारे inventions के कारण ये resource में convert होते हैं, जिससे हम कुछ न कुछ resources इससे बनते हैं। Each discovery or invention leads to many others. हर एक discoveries or invention उसके द्वारा कुछ न कुछ नए नई चीज़ों का उत्पादन होता है। द डिस्कवरी ऑफ फायर लीड्स टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेस, वाइल द इन्वेंशन ऑफ द व्हील अल्टीमेटली रिजल्टेड इन द डेवलपिंग ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जिस तरह से आग का आविष्कार हुआ और हम लोग के कुकिंग के लिए आज वो यूज़ में आता है, उसी तरह से जब हम लोगों ने व्हील का आविष्कार किया तो आज हमारे नए नए मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में ये काम आते हैं। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। वो टेक्नोलॉजी जिसके द्वारा हम लोग तेज बहते हुए पानी को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, वो भी एक हमारा इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है। सो अंडरलाइन द वर्ड टेक्नोलॉजी। Technology, it is the application of latest knowledge and skill in doing or making things. ये एक application है जिसके द्वारा अपने latest knowledge के द्वारा अपने कार्य को एक नए चीज़ में change करते हैं, वही हमारी technology कहलाती है। Thank you. Go. Student, now there is a task for you as your homework. Pen down these questions in your copy with your answer as your homework. What is a resource? Anything that can be used to satisfy a need is a resource. I repeat again, anything that can be used to satisfy a need is a resource. Next, second question is, list out five resources you use in your home and five you use in your classroom. Answer is, in your home, clock, bed, almira, mirror, comb. In our school, chalk, blackboard, table, chair, duster. Now next question is question number third. How does something become a resource? I repeat, how does something become a resource? Answer is, things become resources only when they have a value. Its use or utility gives it a value. Check it out again. Things become resources only when they have a value. Its use or utility gives it a value.
Your next question, question number 4 is, what do you mean by patent? What do you mean by patent? Answer is, patent means the exclusive right over any idea or invention. Patent means the exclusive right over any idea or invention. Again, next last question is question number 5. What do you mean by technology? What do you mean by technology? Technology is the application of latest knowledge and skill in doing or making things. I repeat again, check it out. Technology is the application of latest knowledge and skill in doing or making things. So this is your homework. You have to write in your homework copy. Thank you.